हेलो एवरीवन, यह वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि फ्रेम्स को हम एडिट कैसे करते हैं और आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेल्स को कैसे एडिट करते हैं। सेल्स होती हैं स्लैब, तो उनको हम कैसे एडिट करते हैं। तो सेल्स एडिट में हमारे तीन चार ऑप्शंस हैं, तो हम एक एक ऑप्शन की एक एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो हम बना के अपलोड करेंगे। तो चलती हैं, स्टार्ट करते हैं एडिट सेल्स। सबसे पहले मैं कुछ बीम्स ड्रॉ कर लेता हूं। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं स्लैब। तो सबसे पहले सेल्स देखिए, एक तो ये सेल्स है, एक ये है और एक ये है। इस सेल्स में क्या ये जॉइंट टू जॉइंट क्लिक करना होगा ड्रॉ करने के लिए। इस जॉइंट पे, फिर ये, फिर ये और फिनिश। अज उसके बाद आपके सेल्स है उसको क्या करना है, ड्रैग करना है। इस कॉर्नर पे क्लिक किया और ये ड्रैग कर दिया, यहां तक बन जाएगी है, यहां तक ड्रैग पूरी स्लैब बनानी है। नेक्स्ट है रेड डॉट वाली स्लैब, इसमें बस आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिक ग्रिड को सेलेक्ट कर लेता है। ओके, ये सेल्स है। तो स्कैप दगा के नॉर्मल नॉर्मल कर्सर में आ गई, कोई एक स्लैब हमने सेलेक्ट की और हम जाते हैं एडिट, एडिट सेल्स में। फर्स्ट आपका डिवाइड सेल्स, तो डिवाइड सेल्स में एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कुकी कट फ्लोर ऑब्जेक्ट एट सिलेक्टेड फ्रेम मेंबर। इसका मतलब है स्लैब के ऊपर से या नीचे से कोई अगर बीम जा रहा है और हम उस बीम को सिलेक्ट कर लेंगे तो वहीं पे स्लैब में कट कर देगा। जैसे कि देखिए, जब मैं इस स्लैब को सिलेक्ट करता हूं तो ये पूरी स्लैब सिलेक्ट होती है, ठीक है। और अगर मैं इस बीम को सिलेक्ट कर लूं तो ये क्या करेगा, ये वाला ऑप्शन कुकी कट वाला, इस स्लैब को यहां से कट कर देगा। तो देखते हैं, ओके पर ले आते ही देखिए ये थोड़ा ब्लू हो जाता है, ये ओके करते हैं, आप क्लिक करते हैं, देखिए अब अलग अलग स्लैब सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एडिट सेल्स में डिवाइड सेल्स। नेक्स्ट सॉरी, इसमें एक और ऑप्शन है कि किस एंगल पे आपको, यानी कि एक्शन फ्रेम सेल्स एजेस तक वो एक्सटेंड हो जाए। नेक्स्ट है कुकी कट फ्लोर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड जॉइंट। ये कह रहा है कि अगर कोई जॉइंट है, कोई स्लैब के आसपास या स्लैब के ऊपर कोई जॉइंट है तो उस जॉइंट से कट कर देगा। देखते हैं, ये वाला जॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारी स्लैब ये वाली सिलेक्ट है। अब यहाँ पे 30 डिग्री लिखा है तो क्या करता है, ये 30 डिग्री यहां से इस हॉरिजॉन्टल एंगल से लेता है, तो यहां पर तो स्लैब है ही नहीं, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं, तो देखिए 30 डिग्री पे कट मार दिया इसने इस जॉइंट से, आपको दिख रहा होगा कट हल्का सा, ये रहा कट। नेक्स्ट एडिट सेल्स डिवाइड। नेक्स्ट है आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2/3 है। ओके पे ले आता हूं, तो देखिए इस डायरेक्शन में 3 और इस डायरेक्शन में 2, उसी तरह हमारे जो ट्राइंगल है वो भी डिवाइड हो जा रही है। अगर मैं यहां डालता हूं 10 तो देखिए, और अगर यहां डालता हूं मैं 30 तो ये देखिए इस तरह से ही डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट, इसको एक बार आप देखना चाहेंगे डिवाइड, ओके कर देते हैं, ये देखिए छोटी छोटी सेल्स बन गई है। नेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया एडिट सेल्स एंड डिवाइड सेल्स। लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट व्हाट विजिबल ग्रिड, सेम लास्ट ऑप्शन है। मान लीजिए ग्रिड लाइन ये जा रही है और एक ग्रिड लाइन ये जा रही है, दोनों इंटरसेक्ट करनी है और हमने पूरी एक स्लैब बना ली है। चलो एक बना के देख ही लेते हैं, ये हमने स्लैब डिलीट की और एक स्लैब हमने ड्रॉ की यहां से लेके यहां से यहां तक, ये एक पूरी स्लैब है, ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं, क्योंकि हमारे यहां पे ग्रिड है, इंटरसेक्ट हो रही है,
देखिए ब्लू भी हो जाती है। ओके प्लेयर, देखिए चार पार्ट वो डिवाइड हो गई। नेक्स्ट एडिट सेल्स डिवाइड। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है ये, सिलेक्ट जॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन एज, ये डिवाइड वहां से करेगा जिस जहां पे हमारा जॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट ये है इंटरसेक्ट, जैसे कि ग्रिड इंटरसेक्ट करी थी वहां से उसने डिवाइड कर दिया, उसी तरह अगर कोई बीम होता वो इंटरसेक्ट कर रहा होता तो वहां से डिवाइड कर देगा। तो ये है हमारा एडिट सेल में डिवाइड। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे मर्ज, फिर एक्सपेंड, फिर स्प्लिट। जब आप एडवांस मॉडलिंग बड़े बड़े स्ट्रक्चर करोगे तब ये बहुत काम आता है, किसी को पता नहीं होता, तो हम इसके एक एक चीज को इसलिए अलग अलग वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में केवल डिवाइड सेल्स, नेक्स्ट वीडियो में मर्ज सेल्स। थैंक यू।